नाम कमलेश समादिया है और मैं मेडिकल विभाग में नौकरी भी कर चुकी। 20 साल से मैं अपना इलाज करा रही। मेरे दोनों पैरों में बहुत परेशानी हो गई। ऐसी परेशानी है कि मैं सुबह ड्यूटी करने जाती और रात को मैं और इंजेक्शन लगा के सोती और तब मैं ड्यूटी करके आती। इतनी प्रॉब्लम थी। मैंने डॉक्टरों की दवाई ली, वैद्यों की ली, लेकिन मुझे कभी आराम नहीं मिला कुछ भी। एक दिन ऐसे ही मुझे कोई बेचारे चलते में मिल गए। उन्होंने कहा एक बार आप हमारी भी दवाई लो। तब मैंने उनको बताया कि भैया ऐसे ऐसे बात है। और मैं वो बोला आप कहाँ रहती हो? मैंने कहा कि मैं मथुरा गोवर्धन चौराया चारबाग कॉलोनी की रहने वाली हूँ और भैया मैं बड़ी दुखी हूँ। मैं एक कदम नहीं चल सकती। इतनी मुझे परेशानी थी। मुझे पकड़ के गाड़ी में बैठाते, पकड़ के मुझे उतारते। मैं जब टॉयलेट जाती तो मुझे पकड़ के ले जाते, फिर माते ले के आते। कभी कभी मेरा ये पैर घुटना, जैसे कि मैं बैठने को होती तो ऐसा कि ऐसा रह जाता, मेरा कभी सीधा भी नहीं हो पाता। तब मुझे वो बेचारे मिले और उन्होंने मुझे बताया इस मेडिसिन के बारे में कि मैंने लिया। तो मैंने इसमें उन्होंने जो बताया मुझे तीन चीज़ बताई थी। एक तो ओथोडॉक, एक ठंडा बिलास और एक और था बोली नहीं, और दो डिब्बी थी। ये मैंने दवाई ली। 1 महीना मैंने लिया तो मुझे कुछ 1% कुछ मुझे दिखा कि मुझे कुछ आराम है। फिर दूसरे महीने में मुझे 50% आराम मिला। फिर मुझे कुछ विश्वास हुआ। विश्वास होने बाद में फिर मैंने दवाई ली। आज मुझे 4 महीने हो गए दवाई लेते हुए। और एक पैर का मैं ऑपरेशन करा चुकी थी पहले जयपुर में। उस पैर में भी मुझे बहुत आराम था, लेकिन इसका भी मैं ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी, लेकिन मुझे बेचारा कोई भाग्य से मिल गया और जो मुझे ये दवाइयाँ दिलाई। आज मैं इतनी हो गई कि मैं खड़ी होके और बिना ही किसी इशारे से चलती थी। बैठ के थे इशारे से ऐसे चलती थी मैं। और आज मैं अगर चाहूँ तो घर में ये बैंत रख देती हूँ और इस तरीके से चलती हूँ मैं, क्योंकि ये पैर मेरा ऑपरेशन, ये पैर ऑपरेशन का है तो ये तो मेरा